भारी बारिश में मैं भीग चुका हूँ यहाँ पर, और कितनी ज्यादा बारिश है भाई यहाँ पर। एक देखो नदी भी है भाई, यहाँ पर गायें चल रही हैं, इतनी भयानक बारिश हो गई भाई। सो हे गाइज, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो गाइज अभी हूँ मैं कोटा में, और पीछे 100 मीटर पीछे मैं एक गुरुद्वारे में रुका था रात। बहुत अच्छी फैसिलिटी मिली थी खाने पीने की, नहाने धोने की। अभी मैं नहा धोकर यहाँ से निकल चुका हूँ। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपना ये रुमाल बांध लिया है, अभी ऐसे ही बना रहेगा। अभी मैं कोटा सिटी में जा रहा हूँ, कोटा से बिल्कुल थोड़ा सा 4-5 किलोमीटर बाहर था मैं। अभी कोटा सिटी को पार करके मैं जा रहा हूँ झालावाड़ वाले रास्ते पर, फिर झालावाड़ से जालरा पाटन, फिर वहां से अगर और अगर से मैं चला जाऊंगा उज्जैन, ठीक है। और कहीं भाई कह रहे थे आप इंदौर जाओगे, पहले तो मैं इंदौर नहीं जाऊंगा क्योंकि इंदौर उज्जैन का लगभग 75 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो ये मैं कैसे जा सकता हूँ इंदौर, ठीक है। अभी उज्जैन ही जा रहा हूँ मैं सीधा, और मैं कल शाम को उज्जैन पहुंच जाऊंगा। आज मुझे 120 किलोमीटर कवर करना है, तो चलिए इस जर्नी में आप भी आनंद लीजिए। मैं आपको दिखाता हूँ जर्नी कैसी रहती है, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी रहने वाली। आप लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट करें मुझे यूट्यूब पर, और सब्सक्राइब कर लेना वीडियो देखने के बाद। तो चलो अभी चलते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं मुझे रास्ते में जाते हुए यहाँ पर एक मंदिर मिला है, माँ त्रिकुटा का मंदिर है, ये बहुत बड़ा मंदिर है मैंने ऐसे सुना था। और मैंने यहाँ से टिकट काउंटर से टिकट ले ली, आप देख सकते हैं 60 रुपए की टिकट पड़ी मुझे, और यहाँ पर ऑनलाइन भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बस इसी बात का डर था, मेरे पास कैश नहीं है भाई, क्योंकि कैश मैं कैरी नहीं करता भाई, और अपना गूगल पे में थे। तो अभी चलते हैं भाई मंदिर के अंदर, दिखाते हैं आप लोग कैसा मंदिर है। मैंने सुना बहुत बड़ा मंदिर है, 2 किलोमीटर के एरिया में फैला है, और मैंने साइकिल अपनी पार्किंग में लगा दी है पीछे, यहाँ पर पार्किंग भी अच्छी वाली। चलो अंदर चलते हैं। गाइज मैंने ठीक किया, मैं यहाँ पर सुबह सुबह आ गया, देखो कितना अच्छा नजारा है, यहाँ पर कोई नहीं है सुबह सुबह, वरना दोपहर को तो भीड़ हो जाती होगी मतलब 10-11 बजे से। और देखो कितनी अच्छी खूबसूरती है भाई यहाँ पर, और टिकट वगैरह हाथ में आधी उसने फाड़ दी आधी मेरे को दे दी। यहाँ पर देखो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, यहाँ पर ऐसा लग रहा था कोई ऐसा मतलब असली में आदमी खड़ा है। और ब्यूटी देखो यहाँ पर की, और मैं आपको बता दूंगा कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हैं यात्रा के दौरान मोबाइल पाए जाने पर 500 रुपये जुर्माना है। चलो पता नहीं क्या चीज है ये, और अपना चलते हैं। देखो यहाँ पर भाई कैसा स्ट्रक्चर बनाया गया, देखो आसपास देखो। अभी मैं पूरा का पूरा मंदिर देख के आ चुका हूँ, इतना सुंदर मंदिर मैंने कभी नहीं देखा अपनी जिंदगी में, ये बहुत खूबसूरत मंदिर है। कभी कोटा आओ ना, इसको पर्यटन नगरी से यही कहते हैं भाई, कभी कोटा आओ तो जरूर देख के जाना। यहीं पर आपको बीच सड़क पर मिल जाएगा, त्रिकुटा भवन लिखा है, बाहर सड़क से ही दिख जाता है। तो इतना अच्छा मंदिर यार, मैं पूरा का पूरा मंदिर कवर करके आया हूँ। उधर से अर्धकुंवारी भी आती है, फिर माता का भवन आता है, फिर भैरव भवन आता है, ऊपर भगवान शिव देखो वहां पर विराजमान है। देखो मैं तो महाकाल को बोल के आ गया हूँ कि उज्जैन आ रहा हूँ वहीं पर मिलना। तो इतना अच्छा लग रहा है यार सच में, कितना खूबसूरत मंदिर है। अंदर फोन नहीं जाने दिया, जैसे मैंने यहाँ पर एंटर किया ना, तो मैंने आपको पिछली क्लिप दिखाई थी, उसके बाद मेरा फोन जमा करवा लिया था इन्होंने, और मुझे पहले नहीं पता था यहाँ पर फोन जमा होता है भाई, लेकिन अच्छी बात है भाई मिल गया, चलो कोई बात नहीं, मतलब मैंने देख लिया और अपना फोन जमा हो गया था। अंदर इतने खूबसूरत नजारे थे, अगर आपको दिखा देता ना यार तो आप अभी कभी चले आते कोटा में यार, सच में इतना खूबसूरत मंदिर मैंने कभी नहीं देखा, जरूर विजिट करना भाई। 60 रुपए की टिकट है एक बंदे की, और जो 6 साल से कम है ना बच्चे वे निःशुल्क है, कोई दिक्कत नहीं है उनका, ठीक है। अपना पूरा पूरा भवन देख लिया, अभी चलता हूं मैं बाहर की तरफ। तो आप सामने से रियर कैमरे से देख सकते हैं कुछ ऐसा दिखता है भाई, यहाँ पर पेड़ पौधे छोटे छोटे, यहाँ पर देखो ये सीमेंट से बनाया गया है, ऐसा लगता है लकड़ी है। और ये देखो बीच में भाई फुआरा है, और भगवान शिव वहाँ पर बैठे आप देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आपको होटल्स वगैरह आपको खाने पीने का सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर देख सकते हैं कितना सुंदर है भाई, और अपना अभी लोग आ जा रहे हैं आप देख सकते हैं भाई, मैं अकेला आया था पहले और लेकिन अब लोग आ चुके हैं यहाँ पर, देखो भाई कितना अच्छा लग रहा है ना। अभी मैं यहाँ से निकास कर लेता हूँ, कटरा से कोटा रेल जाती है देखो यहाँ पर ये। तो गाइस अभी आप सामने देख सकते हैं कितनी अच्छी अच्छी बिल्डिंग है, यहाँ पर लोग रह रहे हैं भाई, बिल्कुल न्यू बिल्डिंग है देख सकते हैं इधर की तरफ, और यहाँ पर देखो भाई इसकी एंट्री है। मैं इसलिए तो कहता हूँ मेहनत कर लो जिंदगी में भाई, अपने माँ बाप को ऐसी ऐसी बिल्डिंग में लेके जाना और अपना प्राउड फील करवाना। देखो यार कितनी अच्छी अच्छी, इतनी खूबसूरती है इस दुनिया में, अगर पैसा कमाओगे ना तो बहुत कुछ संभव हो जाएगा जो अभी संभव नहीं है। तो अभी मैं आपको एक खतरनाक नदी दिखाने जा रहा हूँ जिसका नाम है चंबल रिवर। तो अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये है चंबल रिवर, और ये मध्य प्रदेश के महू से निकलती है, महू एक जिला है मध्य प्रदेश में, वहां से निकलती है इंदौर के पास, और ये 3 राज्य में बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में यमुना से मिल जाती है, इसी कारण इसको यमुना की सहायक नदी बोला जाता है, बहुत खूबसूरत नदी है। तो आपको मैं रियर कैमरे से दिखाऊं तो कुछ ऐसी दिखती है नदी, देखो वहां पर बीच में थोड़ा थोड़ा सा टापू बने हैं छोटे छोटे से, ये रिवर है भाई ये, और बहुत ही खतरनाक रिवर है, इसमें मगरमच्छ भी रहते हैं, सांप में मिल जाएंगे। देखो यहाँ पर आसपास देखो, ये तो शहर है कोटा भाई, इसलिए यहाँ पर इतनी अच्छी लग रही है, वरना जब ये जंगल में जाती है उधर मध्य प्रदेश की तरफ, उधर राजस्थान में और ज्यादा जंगल में जाती है तो बहुत ही खतरनाक नदी हो जाती है भाई। ये देखो ये कोटा में चंबल ब्रिज है, और अपना कुछ ऐसा दिखता है भाई, ये कोटा शहर है भाई। साइकिल मेरी यहाँ पर खड़ी है देखो,
और अपना अच्छा लग रहा है। मैं जा रहा हूँ उधर झालावाड़ की तरफ, यहाँ से मैं थोड़ा सा आगे चलकर झालावाड़ की तरफ मुड़ जाऊंगा, उधर जाना है मुझे, फिर मैं मध्य प्रदेश में एंटर हो जाऊंगा। तो गाइस जब यहाँ बीच रास्ते में रुक गया था और मुझे यहाँ पर ये दुकान दिखी भाई छोटी सी, अभी मुझे यहाँ पर टेम्पर लगवाना है, ओनली 40 रुपए का लग रहा है भाई यहाँ पर, और मार्केट में तो 80-100 रुपए का लगाते हैं, तो मैंने सोचा यहाँ पर लगवा लेता हूँ। और अपना भाई ने छोटी सी रेडी लगा रखी है, मेरी साइकिल खड़ी है उधर, और भाई फोन टूटने का डर रहा थोड़ा सा यार, क्योंकि यार वो टूट गया था ना, मैंने आपको दिखाया था ना पिछले व्लॉग में, तब से मैंने भाई ग्लास लगवाया नहीं था, अब लगवा लेता हूँ भाई से। अभी आपको एक खतरनाक चीज दिखाता हूँ मैं, जहाँ तक नजर जा रही है ना आपकी, वहां तक पूरा का पूरा जंगल ही जंगल है, रियर कैमरे से दिखाता हूँ एक बार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई, ऐसा लग रहा है मानो कि हमारी धरती वहां से गोल हो चुकी है, और उधर की तरफ मतलब कि जो इंसान जाएगा वो गिर जाएगा नीचे आसमान में। देखो यार पूरा पूरा वहां पर जैसे आसमान ने ढक लिया है भाई, देखो यार कितना बड़ा जंगल है भाई, इधर भी जंगल है और उधर की उधर पूरा पूरा का पूरा जंगल है भाई। यहाँ पर तो ये सड़क जा रही है झालावाड़ की तरफ, ये देखो भाई नीचे एक सड़क है, और ये जंगल बहुत खतरनाक लग रहा है भाई। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये सड़क भाई ऊपर ही ऊपर रहे भाई, जंगल के साइड में ना चले, क्या पता कौन आ जाए। वहां पर भैंसे ना रही है भाई, कुछ गाय है कुछ कुत्ते हैं, ठीक है। देखो यार जंगल देखो कितना बड़ा है भाई, ओ माई गॉड। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे महादेव की कृपा कितनी है, बरस रही है भाई, बारिश आ गई बहुत ज्यादा, ओ माई गॉड। और आसपास का मौसम देखो भाई कितना खतरनाक मौसम हो रखा है, और अभी भागना पड़ेगा, मैं पुल पर खड़ा हूँ और रास्ते मुझे नीचे ही भाई कोई ठिकाना मिलेगा। इतनी ठंड हो गई है भाई, इतनी ठंड हो गई है मतलब कि यार सच में अच्छा साइकिल चला पा रहा हूँ भाई। सामने का नजारा आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है भाई, देखो यहाँ पर देखो भाई, और गाय फिरती रहती है भाई यहाँ पर। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई, यहाँ पर लिखा है यह टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, गति सीमा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ओ माई गॉड, अभी मुझे भाई जाना सुनसान रास्ते से, आप देख सकते हैं बारिश पूरी हो चुकी है, ये देखो ये रास्ता जा रहा है जंगलों की तरफ, अब मैं जा रहा हूँ भाई जंगलों की तरफ, चलो देखते हैं भाई क्या होता है, सुख शांति निकल जाएंगे। बारिश हो चुकी है भाई ज्यादा, मैं जा रहा हूँ अभी। हम तो कभी इन जंगलों को भाई यूट्यूब पर देखते थे, आज असल में देख भी लिया। अमेजन जंगल का नाम सुना था ना, वो तो कितना खतरनाक होगा भाई, इसमें आके इतना डर लग रहा है, देखो यार चारों ही चारों तरफ मेरे जंगल ही जंगल है पूरी की पूरी सड़क पर। और भाई यहाँ पर फोर व्हीलर कामयाब है भाई, यहाँ पर तो बस फोर व्हीलर में अपने घर की तरह सुरक्षित रहो और चलते जाओ भाई, यहाँ पर साइकिल वालों का तो बस यही हाल है, क्या कर सकते हैं भाई, ये पार करना पड़ेगा। अभी ये जंगल 30 किलोमीटर और लंबा है भाई, इसको पार करूंगा मैं, बीच में छोटे छोटे शहर आते रहेंगे, लेकिन शहर से गुजरते रहेंगे जंगलों से गुजरते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अपना साइकिल देखो भाई, दुरंत तो बहुत साथ दे रही है सच में, यार मानना पड़ेगा दुरंत तो यार, अगर एड्रेस ले आता ना यहाँ पर तो भाई बहुत दिक्कत हो जाती यार। भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ वहाँ पर भाई, वहाँ पर भी जंगल, और इधर तो बहुत गहरा जंगल है भाई, यहाँ पर खाई है देखो यहाँ पर अंदर की तरफ, और अपना ये सड़क है देखो, सीधा जा रहा हूँ मैं उधर, बादल देखो भाई कितने खतरनाक हो रखे है। छतरी भी है मेरे पास, लेकिन भाई छतरी कामयाब नहीं है, बहुत मोटी मोटी बूंद आ रही थी यार। चलो चलते हैं भाई अपना डेस्टिनेशन की तरफ चलते हैं, कल मैं महाकाल के दर्शन करने पहुंच जाऊंगा, यानी कि परसों दर्शन कर लूंगा, कल पहुंच जाऊंगा मैं महाकाल उज्जैन। चलो सब मुझे ब्लेसिंग देते जा रहे हैं भाई, अच्छा यार सच में ऐसे ऐसे करते जा रहे हैं, और कोई बोल रहा है जय महाकाल, कोई बोल रहा है जय बम बम बोले। चलो भाई मैं भी चलता हूँ बम बम बोले बोलकर। भाई जब आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई कैसा माहौल हो गया, यहाँ पर देखो यार जंगली जंगल है, और देखो यहाँ पर देखो पुलिस वाले कैसे भाई इनको ठीक करवा रहे हैं, देखो यार ये ट्रक फंस गया भाई, और छोटी सी केव है भाई, देखो यार कितना अच्छा नजारा है भाई, बारिश बारिश हो रखी है देखो यार, और देखो यार मैं भी यहाँ से निकलने वाला हूँ, मेदरन तो खड़ी है यहाँ पर, देखो बारिश बारिश में मैं भीग चुका हूँ यहाँ पर, और कितनी ज्यादा बारिश है भाई यहाँ पर, एक देखो नदी भी है भाई यहाँ पर, गायें चल रही है, इतनी भयानक बारिश हो गई भाई, और वहां पर तो जाम लग गया, साइकिल वाला तो एकदम निकल के आ जाता है भाई, मैं तो निकल के आ गया, देखो अपनी तुरंत एक्सप्रेस खड़ी है तुरंत एकदम घंटे में लगी भाई, और मेरा तौलिया पता नहीं कहाँ पर चला गया, मेरा तौलिया खो गया भाई। और देखो भाई कितना माहौल अच्छा हो रखा है, जंगली जंगल है भाई यहाँ पर, तो ये 30 किलोमीटर का जंगल निकालना भी, तो यार मेरा फोन वाटरप्रूफ है इसलिए मैं व्लॉगिंग कर पा रहा हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर बूटा खा रहा हूँ भाई, और अभी तक जंगल खत्म नहीं हुआ, आप देख सकते हैं आसपास सारा का सारा जंगल है, बस बारिश तो रुकी है भाई, तो बारिश में बूटा खाने का मजा अलग ही है भाई। मैंने गर्मा गर्म बनवाया यहाँ पर, बुनवा लिया था इसको, और मसाला इस पर इतना अच्छा लगा ना, राजस्थान में मसाला भाई बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छा लग रहा है खाने में यार सच में। मैं तो जा रहा हूँ भाई झालावाड़ की तरफ, झालावाड़ यहाँ से 10 किलोमीटर है बस, लेकिन जंगल जंगल से जाना है भाई, जंगल जंगल से हो गए, और मेरे दांतों में कुछ लग रहा होगा भाई, तो उस पर गौर मत करना, क्योंकि ये खा रहा हूँ ना मैं, मतलब कि मैं दिन में 120-120 किलोमीटर निकाल रहा हूँ भाई, फिर भी कुछ नहीं हो रहा, देख लो आदत ये होती है, इंसान के शरीर को आदत कैसी भी पड़ा लो, अच्छी या बुरी वो मान जाएगा भाई, इसलिए मैं कहता हूँ कि अच्छी आदत पड़ा लो और मेहनत करना सीख लो अपनी जिंदगी में, और अपना भाई फिर अपना कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता।
अभी मैं झालावाड़ से 10 किलोमीटर पीछे हूँ। मैं झालावाड़ नहीं गया भाई आज, क्योंकि यार बारिश का माहौल हो चुका था और मैं रास्ते में रुक गया था भाई। यहाँ पर कैंप लगे हैं, मतलब कि बाबा रामदेव के कैंप लगे हैं यहाँ पर। जो बाबा रामदेव के यात्री है ना, वो इन कैंपों में रुकते हैं। मैं आपको कैंप दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप देख सकते पीछे, ये आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, ये कैंप लगा। यहाँ पर मुझे सोने की जगह मिल गई, गद्दा मिल गया, रोटी मिल गई, चाय मिल गई, सब कुछ मिल गया यार, अच्छी बात है। और यहाँ उज्जैन आने की मेरी टाइमिंग बहुत बढ़िया थी, क्योंकि मुझे कैंप मिलने लग गए भाई यहाँ पर। तो अगर मैं पहले आता या बाद में आता तो कैंप नहीं मिलते, और भाई ऐसे ही चलना पड़ता, किसी शहर में रुकना पड़ता, क्योंकि बीच रास्ते में कुछ भी नहीं था। और यहाँ पर मुझे चाय मिल जाती है, भोजन मिल जाता है, तो कहाँ के पैसे खर्चने मुझे यार। मेरे लगभग कुछ भी पैसे खर्च नहीं है, बस मेरी मर्जी है पैसे खर्च करना यहाँ पर। वैसे बीच में ठंडा पीना हो, लस्सी पीनी हो, कुछ ही पीना हो, मतलब अच्छा है यहाँ पर यार माहौल तो बहुत ज्यादा। का मौसम देखो भाई, आज कितने घने बादल छा गए यहाँ पर। उधर की तरफ देखो, बहुत भारी बारिश होने वाली है। कोटा में तो 6 घंटे बरस गया भाई आज, और रात तो 4 घंटे बरस गया था, और यहाँ पर भी बहुत ज्यादा बारिश होगी। अब ये कोटा जिला नहीं, अब ये झालावाड़ जिला है, ठीक है, राजस्थान का झालावाड़ जिला। झालावाड़ से आगे आएगा झालरापाटन, झालरापाटन से आगे आएगा आगर, आगर से आएगा उज्जैन। और यहाँ पे छोटे छोटे पत्थर होते हैं भाई, आपको पत्थर दिखा देता हूँ सबसे पहले, क्योंकि यार पत्थर मैंने पूरे राजस्थान में देखे हैं पत्थर, और बहुत काम आते हैं पत्थर छतों पर, मतलब की छत ढकनी हो ना, जैसे हमारे वहाँ ईंट लगाते हैं, कड़ी की छत बनाते हैं जब, तो यहाँ पर ये लगाते हैं पत्थर भाई। देखो कैसे कैसे पत्थर है यहाँ पर, ये छूकर देखता हूँ मैं, मैंने अभी तक छुए नहीं। हाँ अच्छे मजबूत पत्थर है भाई, ये ऊपर रखे जाते हैं, स्लेट कहते होंगे शायद इनको। और देखो यहाँ पर ऐसे ही पड़े रहते हैं राजस्थान में, मतलब कि कंकड़ पत्थर बहुत ज्यादा है। हमारी तरफ तो उपजाऊ जमीन है ना, तो इधर तो भाई पूरे के पूरे कंकड़ पत्थर है। देखो यार यहाँ माहौल देखो यार, मुझे बारिश का माहौल बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर बसें चलती है भाई, ये इन बसों में भी आ सकता था मैं, हमें तो साइकिल से आना था ना, क्योंकि यार साइकिल से महादेव ने बुला रखे भाई। और एक बात कहता हूँ, जो कहते हैं ना कि भगवान नहीं होता, कई लोग मानते अभी भी भगवान नहीं होता, लेकिन भाई एक बात ये कहता हूँ, मतलब कि अगर भगवान नहीं होता ना तो तुम भी जिंदगी में नहीं आते भाई, क्योंकि यार ये सृष्टि उसी की रचाई गई है, और ये बुलावे होते हैं भाई। अगर मैं जा रहा हूँ ना उज्जैन, तो ये बुलावे होते हैं सच में यार। और इतनी अच्छी फैसिलिटी मिल रही है मुझे, मुझे क्या पता था राजस्थान में, मुझे मैं कभी आया नहीं यहाँ पर भाई, मुझे क्या पता था क्या होने वाला है मेरे साथ। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं, अगर आपको सच बताऊँ ना, इतने पैसे नहीं। अगर मैं हर रोज पैसे खर्चता ना भोजन खाने के लिए, तो भाई अब तक मैं बहुत कुछ खो देता सच में यार। इतना सारा मिल रहा है मुझे, ये बुलावा होता है भाई। अगर मान लो अभी भी टाइम है तुम्हारे पास, मान लो जो ज्यादा साइंस को समझते हैं ना कि भगवान नहीं होता, ऐसे ही नेचर, मतलब ऐसे ही नेचर प्रकट हो गई और अपना ऐसे ही बरसता है, ये सब कुछ ऐसे होता है भाई, इंद्रदेव बारिश करता है, तो ऐसे ही है सब कुछ, ऐसे यार ये सृष्टि रची हुई है, ठीक है। मैं आपको ये बताना चाहता था, अब मान लो यार सच में यार, अभी मानना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि भाई मेरे साथ बहुत कुछ बीता है जो मैं ऑन कैमरा नहीं बता सकता, क्योंकि ये मेरी श्रद्धा है भाई सच में। तो देखो भाई झालरावाड़ में खड़े हैं अभी, और अपना ठीक है माहौल यार, अभी सो जाता हूँ मैं यहाँ पर। और अपना व्लॉग मैंने आज का आपको दिखा दिया, ये था आज का व्लॉग। लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर भी कर देना, यूट्यूब पर बहुत ज्यादा प्यार करना। तो आई होप गाइस व्लॉग आपको पसंद आए, लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।